Welcome to my channel Mathsomatic makes maths easy. Today we will study class 9 chapter 1 number systems exercise 1.2 all questions solved. Aaj hum log padhenge exercise 1.2. First question dekhiye, kehta hai state whether the following statements are true or false, justify your answer. Yahan pe humko diye hue statements mein se dekhna hai kaun sa true hai aur kaun sa false और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है. देखिए, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यानी कि हर इरेशनल नंबर मेरा रियल नंबर होता है. क्या यह सही है? देखिए एक्सरसाइज 1.2, मेरा 1 का जो 1 है उसका आंसर है यस. एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर बिकॉज रियल नंबर कंप्राइजेस ऑफ बोथ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, यानी कि रियल नंबर्स बनता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला के. समझिए कि ये है मेरा इरेशनल नंबर, ठीक है, और समझिए ये है मेरा रैशनल नंबर. ओके, तो मेरा जो रियल नंबर है, रियल नंबर मेरा इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों को मिलाएंगे हम लोग, ऐड करेंगे दोनों को एक साथ, तो मेरा बन जाएगा रियल नंबर. ओके, इसलिए यस, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर. जो भी मेरा इरेशनल नंबर होगा वो मेरा एक रियल नंबर हो. अब देखेंगे नंबर टू. नंबर टू कहता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर. अगर हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस नंबर लाइन में जो भी हम पॉइंट लेंगे वो पॉइंट मेरा क्या होगा, वो पॉइंट मेरा होगा रूट एम के फॉर्म में. क्या ये सही है? देखिए नंबर टू, एज वी नो दैट वी कैनॉट गेट ए नेगेटिव नंबर आउट ऑफ ए स्क्वायर रूट, यानी कि अगर हमको बोलता है कि ये है मेरा रूट एम और किसी भी स्क्वायर रूट में से जो आंसर आएगा वो मेरा नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता. ये याद रखना है, कभी भी मेरा स्क्वायर रूट का आंसर नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता. इसलिए एज वी नो दैट वी कैन नॉट गेट अ नेगेटिव नंबर आउट ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर बट ए नंबर लाइन कंटेन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर. जो एक नंबर लाइन होता है उसमें मेरा क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर भी होता है और एक नेगेटिव नंबर भी होता है और जीरो भी होता है, यानी कि इंटीजर्स होता है इसमें नंबर लाइन में. ओके, लेकिन स्क्वायर रूट का आंसर क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव होता है. इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि हम लोग स्क्वायर रूट का वैल्यू नंबर लाइन में नहीं रख सकते. सो वी कैनॉट कंक्लूड दैट एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इज नॉट ऑफ द फॉर्म रूट एम, यानी कि जीरो से लेके और जो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो पॉजिटिव नंबर होता है उसके लिए हम लोग रूट एम का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा. लेकिन नेगेटिव नंबर्स के लिए जो यहां से लेफ्ट में आएगा जीरो का, उसके लिए हम लोग रूट एम का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि रूट एम का आंसर क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है. इसलिए एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज नॉट ऑफ द फॉर्म रूट एम. नंबर थ्री कहता है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, मेरा जो भी रियल नंबर होता है वो मेरा इरेशनल नंबर होता है. देखिए मेरा आंसर है नो, एवरी रियल नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर. जो भी मेरा रियल नंबर होता है वो मेरा इरेशनल नंबर नहीं होता बिकॉज रियल नंबर्स आल्सो कंटेन रैशनल नंबर्स. जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर बनता है मेरा इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर को मिला के. लेकिन नंबर थ्री कहता है एवरी रियल नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर, ठीक है, मेरा जो रियल नंबर होता है क्या वो सिर्फ इरेशनल नंबर होता है, नहीं, रियल नंबर मेरा रैशनल नंबर भी होता है. ओके, इसलिए मेरा थ्री का आंसर हो गया नो, एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर क्योंकि बिकॉज रियल नंबर ऑल्सो कंटेन्स रैशनल. अब देखिए नंबर टू, क्वेश्चन टू कहता है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल. क्या स्क्वायर रूट अगर करेंगे हम लोग जो भी मेरा पॉजिटिव इंटीजर्स है तो उस नंबर का जो स्क्वायर रूट का आंसर आएगा क्या वो इरेशनल नंबर होगा? इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर. देखिए नंबर टू, मेरा आंसर है नो, क्यों, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विल नॉट बी इरेशनल नंबर. किसी भी नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालें तो उसका आंसर मेरा
हमेशा एक इरेशनल नंबर ही आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोगों ने आंसर निकाला है रूट फोर का, आंसर क्या आया 2। तो 2 क्या है, 2 एक इंटीजर है, वैसे ही आंसर आया रूट 9 का 3, 3 क्या है, एक इंटीजर है। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर आर नॉट इरेशनल नंबर, इंटीजर मेरा इरेशनल नंबर नहीं होता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विल नॉट बी इरेशनल नंबर। यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल है रूट 4 और रूट 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 3 कहता है शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 को हम लोग नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो पूछ रहा है। देखिए ये है नंबर 3, यहाँ पे हमको रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। तो इसका मतलब ये कि नंबर लाइन का जो ये लाइन होता है उसमें हमको यहाँ पे रूट 5 लेके आना है, ठीक है। तो रूट 5 कैसे लाएंगे, देखिए रूट 5 का वैल्यू कैसे आएगा, यहाँ पे हम लोगों को समझना है कि रूट 5 हमेशा मेरा हाइपोटेन्यूस में आएगा। ये जो ट्रायंगल का पार्ट होता है इसको कहते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। तो इसका रूट 5 आंसर कैसे आएगा, तो हाइपोटेन्यूस का वैल्यू कैसे निकलता है, ये निकलता है बेस और हाइट का जो स्क्वायर होगा उसका रूट करने से। देखिए OA मेरा हाइपोटेन्यूस है, तो इसका आंसर क्या आएगा, रूट ऑफ OB स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस हाइट AB का स्क्वायर। तो OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, OB क्या लिए थे 2, AB क्या लिए थे 1, ये हम लोग अपने मन से इसको लेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे रूट 5 चाहिए। 2 स्क्वायर का हो गया 4, 1 स्क्वायर का हो गया 1, आंसर आ गया रूट 5। तो OA क्या हो गया, रूट 5। तो इसका मतलब अगर हम लोग बेस को 2 पकड़ेंगे, यानी कि एक्स एक्सिस में यहां से लेके यहां तक अगर इसको 2 पकड़ेंगे और ये हो गया ऊपर, यानी कि ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में यानी कि ऊपर की तरफ में अगर हम लोग इसको 1 में पकड़ें, ये है मेरा 1 मार्क, ठीक है। इसको 1 तक लेके जाएंगे और नीचे में मेरा 2 तक लेके जाएंगे, तो मेरा जो हाइपोटेन्यूस आएगा ये वाला वो मेरा क्या आएगा, रूट 5 आएगा, ठीक है। तो क्या किए हम लोग, इसको ऐसे ड्रॉ कर लिए, यहां से 2 में कट किए, यहां पे 1 में कट किए, इस पॉइंट को लेके दोनों को ज्वाइन कर दिए, हो गया मेरा हाइपोटेन्यूस। तो अब हम लोग इसको 0 जो है मेरा लाइन यहाँ पे इसको हम लोग पकड़ लिए सेंटर और ए को पकड़ लिए इसका पॉइंट, तो ओ ए हो गया मेरा रेडियस, ठीक है। तो ओ ए को रेडियस लेंगे कॉम्पस का हेल्प लेके और ओ को सेंटर पकड़ेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये आर्क ऐसा ड्रॉ करेंगे तो ये मेरा कट करेगा इस एक्स एक्सिस को एक पॉइंट में, ये पॉइंट हम लोग पकड़ लिए हैं रूट 5, ओके। और ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। नाउ विथ ओ ए, यानी कि ओ ए रूट 5 है एज अ रेडियस ले लिए हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉम्पस कट द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कट किया है कॉम्पस के इस्तेमाल से, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस गिव्स अस द वैल्यू ऑफ रूट 5। तो जिस पॉइंट में ये वाला आर्क जो है, जिस पॉइंट में एक्स एक्सिस को कट करेगा वो वाला हो जाएगा मेरा रूट 5, ओके। अब देखिए वैल्यू ऑफ रूट 5 इज ग्रेटर देन रूट 4, यानी कि जो रूट 5 है वो यहाँ पे कट कर रहा है और 2 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो 2 क्या होता है, 2 का मतलब होता है रूट 4, रूट 4 का वैल्यू आता है 2। इसलिए कहता है कि वैल्यू ऑफ रूट 5 इज ग्रेटर देन रूट 4 यानी कि 2, सो रूट 5 कट्स द एक्स एक्सिस आफ्टर द मार्क 2। रूट 5 जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 2 के बाद, ओके। किस तरीके से हम लोग रूट 5 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में, ओके। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स।